लोकतंत्र के महापर्व कहे जाने वाले लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें हिसार लोकसभा सीट पर दो दशक से जीत के लिए तरस रही कांग्रेस के लिए जयप्रकाश उर्फ जीपी ने जीत का चौका लगा दिया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी को छोड़ 26 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है, जिसके चलते कांग्रेस की जीत की खुशी में शहर भर में विजय जुलूस निकाला गया। साथ ही समर्थकों ने गुलाल उड़ाकर और ढोल बजाकर जश्न मनाया। देखिए ये जीत जैसे हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि अब की बार हरियाणा प्रदेश में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का चुनाव जनता लड़ रही है और ये जनता की जीत है। और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से इस देश में पद यात्राएं न्याय यात्राएं करके जनता में जागृति पैदा की और नरेंद्र मोदी जी की पोल खोली, आज उसी का एक नतीजा है कि भारत का प्रधानमंत्री मात्र 1.5 लाख वोट से ही चुनाव जीत पाया। जो ये कहता था कि ना खाता ना बही, जो मोदी के सो सही, और जिस राहुल जी के बारे में इस तरह की बातें करते थे, आज मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेता राहुल गांधी जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। अहंकार जनता ने तोड़ा है। और मेरी दूसरी जीत में किसान संगठनों का बहुत बड़ा योगदान, OPS कर्मचारी बहाली का बहुत बड़ा योगदान, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, और सबसे बड़ी बात देखिए दो ताकतें देश की, एक देश का पेट भरने वाला अन्नदाता, 730 किसानों को मरवाने का काम किया या मरवाने में विवश किया या लाचारी में मरे, इस सब की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की है। इसी वजह से आज हरियाणा प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में, राजस्थान में कितनी सीटें मिली, पंजाब में, हरियाणा में BJP का लोगों ने सफाया कर दिया। अरे टुच्चू पुच्चू सी सीट रहेगी, आगे असेंबली में इन्हें साफ कर देगी। आपको बता दें कि सीट पर साल 2004 में जयप्रकाश ही कांग्रेस की ओर से आखिरी सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। 2004 चुनाव के बाद लोकसभा के 3 आम चुनाव और 1 उपचुनाव हुआ। चारों चुनाव में ही कांग्रेस प्रत्याशी चारों खाने चित रहे। प्रत्याशियों की जीत की दहलीज पर पहुंचना तो दूर की बात, दूसरे नंबर पर भी नहीं पहुंच सके। अब 7 बार लोकसभा का चुनाव लड़ने का अनुभव रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश ने दूसरी बार लोकसभा में उतरे भाजपा के रणजीत सिंह को 63,381 वोटों से हरा दिया है। जयप्रकाश को 5,70,424 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह को 5,07,043 वोट मिले। वहीं जननायक जनता पार्टी की नैना चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल की सुनैना चौटाला मुकाबले में कहीं नहीं दिखी। आप ये देखिए, इंडिया गठबंधन के लोग बहुत मोटे मार्जिन से जीते और BJP के लोग बहुत छोटे मार्जिन से जीते। ये जो असेंबली का चुनाव आएगा, इसमें लोग जो छोटी मोटी कमी रही है उसको पूरा कर लेंगे। यानी कि आप देखिए, जब देश के लोगों को संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिस संविधान को बनाने के लिए हमने अंग्रेज से लड़ाई लड़ी, हजारों नौजवानों ने अपनी जवानी अंग्रेज की काल कोठरी में व्यतीत करनी पड़ी, फांसी का फंदा चुमना पड़ा, और इस नकम्मी सरकार ने 400 बार मारे बोले लोग बुका दिए, आए होगी 400 बार ये ड्रामा था। मैं कहूँगा जब बकाए ना लागी हो, बोला रणजीत का आ गया बांडा, के बोले पीछे आ गया ताली पीछे सारा सामा कट्ठे लपेट दिया। हाँ तो भाई बात यह है, लोगों ने अब की बार अहंकारियों का अहंकार तोड़ दिया और जनता का सम्मान किया। इसार के लिए सर MP बने तो क्या बड़े काम करना चाहोगे इसार के लिए? देखिए, मैंने एक बात आपको याद हो शायद, इसार की एक जनसभा में कही थी कि कोई गैस चलाता है, JP याद आता है, टेलीफोन टर्न टर्न करता है, 90% JP याद आता है, सड़क पे निकलता है, गाड़ी खड्डे में गिरती है, JP याद आता है, हमने शहर की ये बुरी दुर्दशा कभी नहीं है। सबसे पहले हम जो मैंने ही हुड्डा साहब से कह कर के केंद्र की सरकार से काउंटर मैग्नेट टाउन हिसार को बनाया था, हम हिसार की सीवरेज और स्ट्रॉम वाटर के नालों का इंतजाम करेंगे, हम यहाँ इस इलाके में टूटी हुई सड़कों की बहाली का काम करेंगे। फिर तो हम कह दोगे उरे तो हरियाणा में तो BJP की सरकार है, एक सरकार पे करा लूँगा, बेरा पार्टियाँ नहीं काम नहीं करते तो फिर ना चक्कर काट दे, मनोहर लाल जी ने भी लुक का पैंडा छुटवाना पड़ा। तो इस करके हम काफ़ी काम हैं, हम कानून व्यवस्था की स्थिति है, बेरोजगारी है, पार्लियामेंट में हम इस मामले को उठाएंगे, और बहुत नौजवानों के रोजगार की बात है,
क्योंकि मोदी जी 2 करोड़ की बात करता था, कोर उठाई न हटाई, ना तो मैंने ईडी का डर, न आई बी का डर, ना हमने CIBI का डर। ये चीज़ें हम पार्लियामेंट में बच्चों की उठाएंगे। और जो CBSE का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता था, केंद्र सरकार ने उसको बंद कर दिया, हम उसको चालू कराएंगे। और जो अग्निवीर योजना है जो बंद कर दी, हम इसको चालू करवाने के लिए केंद्र की सरकार से हमारी बनेगी तो हम बंद ही कर देंगे, और दूसरों की बनी तो हम उसको लड़ाई लड़ेंगे। OPS की बात है, क्योंकि OPS सेंटर का डिपार्टमेंट है, इसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक बार अंत में फिर कह देता हूँ कि जिन साथियों ने मुझे कांग्रेस पार्टी को जितवाने का काम किया, मैं आपके माध्यम से तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। वहीं जीत के बाद जयप्रकाश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सीना ठोककर बड़ी जीत और 400 पार का दावा करते थे, उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब इनका घमंड टूट चुका है, बाकी बची कुची कसर हम विधानसभा चुनाव में पूरी कर देंगे। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।